बच्चों को निकालना चाहिए जिनको सच में शिक्षा की जरूरत है। इतने सारे कोचिंग खुले हैं तो मतलब बच्चों में पढ़ने की जागरूकता है, क्योंकि करप्शन इतना बढ़ गया, तो उनके राइट्स के लिए हम लड़ते हैं। हमारा एनजीओ उनके साथ जाता है जो पीड़ित है। जब तक महिला सशक्तिकरण पूरी तरह से रेडी नहीं होगी तब तक समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हमारी सरकार है वो नहीं चाहती है कि ट्राइबल्स एरिया के लोग पढ़ें, वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को नौकरी मिले, वो नहीं चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं रोशन झा। जन जीवन शक्ति ट्रस्ट की मनोरमा जी हमारे साथ हैं। मनोरमा जी एक एनजीओ चलाती हैं जो शिक्षा क्षेत्र में और मानव अधिकार क्षेत्र के लिए काम करती है। मनोरमा जी अभी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मनोरमा जी, लोक आवाज में सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मनोरमा जी, आपने कहा कि आपने पहले छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है और अब बिहार में आकर आप काम करना चाहती हैं। जी। तो आखिर बिहार को आपने क्यों चुना? आप अगर इंडिया में देखेंगे कि माने या ना माने, कहते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा बिहार को लोग पिछड़े नजर से देखते हैं, गरीबी की मात्रा में या गरीबी के स्टेटस में। छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, एजुकेशन पे, खैर अब तो बिहार बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा, बट फिर भी इनको लोग उसी तरीके से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन तीनों जगह पे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, इस पे हम जैसे एनजीओ वालों को ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो चीज नहीं मिल पाती है, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से एजुकेशन लेवल उन ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो मुझे लगता है इन क्षेत्रों में हमें जाना चाहिए और उनके साथ मिलकर के उनके उन बच्चों को निकालना चाहिए जिनको सच में शिक्षा की जरूरत है। तो आपने बिहार घूमा होगा, आपने बिहार का अध्ययन किया होगा, तो क्या आपको लगता है कि जितना पिछड़ा छत्तीसगढ़ है या जितना पिछड़ा उड़ीसा है उसी कैटेगरी में आप बिहार को रखती हैं? नहीं, मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया है कि बिहार में एजुकेशन के लिए लोग हैं, यहाँ पे अभी भी एजुकेशन को, जैसे मैंने पटना में देखा काफी जगह पे काफी इंस्टीट्यूट आईपीएस की, यूपीएस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही और स्टूडेंट्स की बहुत उसमें जागरूकता भी देखने को मिला, तो मुझे लगा कि एजुकेशन यहाँ पे है। लेकिन क्या मुझे अभी भी नहीं पता चला कि क्या ये ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे ही है। ये तो पटना शहर है, यहाँ देखने को मिल पा रहा है, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा होगा तो वेल एंड गुड, और नहीं होगा तो हम इस पर जरूर काम करेंगे। तो बिहार के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है, क्या करना चाहती है आप? देखिए, बिहार के लिए मेरा यही मास्टर प्लान है कि इतने सारे कोचिंग खुले हैं तो मतलब बच्चों में पढ़ने की जागरूकता है, तभी तो ये क्लासेस चला रहे हैं। तो इन जागरूकता को पूरा करने के लिए हम आए हैं कि इसमें इस कंपटीशन में कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। तो हमारा मास्टर प्लान ये है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और जितने भी ऐसे युवा हैं जो पढ़े हुए हैं और अगर वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण से वो यूपीएस की तैयारी करने पर सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं, तो वो उन बच्चों को पढ़ाएं और जिसमें जिस जो भी उसका एक्सपेंस होगा वो हमारे एनजीओ देगी। कुछ देर पहले आप बता रही थी कि पटना में कल आपका एक आयोजन हुआ था, राइट? उस आयोजन में क्या कुछ हुआ था? देखिए, उस आयोजन में जैसे कि पहला तो मुझे अपने एनजीओ के बारे में पटना को बताना बहुत जरूरी है, और हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। जो आपने पटना के लोगों को बताया, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी बिल्कुल। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जन जीवन शक्ति ये एक ट्रस्ट है, एक एनजीओ है जो तीन चीजों पर ज्यादातर काम करती है। एक एजुकेशन, एजुकेशन किसी भी तरह का हो सकता है, हम महिला एजुकेशन भी देते हैं, हम ट्रबल सीरिया के बच्चों को भी एजुकेशन देते हैं, हम एससी के बच्चों को भी देते हैं, और ऐसे बच्चे जो कास्टिज्म में नहीं आते हैं, कैटेगरी में नहीं आते लेकिन फिर भी पढ़ने में असमर्थ है, उनके पास भी हम जाते हैं, उनको भी शिक्षा का जो भी उनको कमी होती है वो हम पूरा करते हैं। एडमिशन हो गया, बुक्स हो गए, या किसी भी तरह का आर्थिक समस्या वो फेस करता है। दूसरा हो गया ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मीन्स आप सब समझते हैं, हमें राइट्स तो मिली है बट लोगों को वो पता नहीं होता है, और जब पता भी होता तो अधिकारों के लिए करप्शन के वजह से या किसी किसी कारण से, आप तो जानते हैं अभी देश का जो कंडीशन है, तो उन तक वो पहुंच नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं, वो हार करके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उनके साथ चार बार अगर कोर्ट कचहरी में कोई जाता है और जब उनको वहां पे भी नहीं मिल पाती है तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि करप्शन इतना बढ़ गया। तो उनके राइट्स के लिए हम लड़ते हैं, हमारा एनजीओ उनके साथ जाता है जो पीड़ित है, चाहे वो किसी तरीके के हो, या फिर युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट में, उनको अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या उनके रिजल्ट में कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो हम युवाओं के साथ रह करके उस लेवल तक लड़ते हैं ताकि उनको कहीं से तरह से कोई रुकावट ना आए। तो ये हो गया है ह्यूमन राइट्स। अब हो गया है कि महिला सशक्तिकरण पे क्या काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण पे महिलाओं को
सरकार की योजनाएं नहीं पता होती है। दूसरी बात होती है कि महिलाओं को अभी भी एजुकेशन में उनको बेटर लगता है कि नहीं, हम हमें उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी भी ट्रेबल्स एरिया में और विलेज एरिया में ये चीजें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनके घर जान करके या फिर किसी भी जरिया से उनको एजुकेटेड करना है। विदाउट एजुकेटेड वो अपने राइट्स ही नहीं जान पाएंगे, वो जान ही नहीं पाएंगे कि उनको अधिकार क्या मिला हुआ है, तो अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे। और जब तक महिला सशक्तिकरण पूरी तरह से रेडी नहीं होगी, तब तक समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे, वो हमारा प्रायोरिटी है, हम उसके लिए करेंगे। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसपे एनजीओ काम करती है। कल 26 जनवरी है, अर्थात गणतंत्र दिवस है। आपकी संस्था की ओर से एक आयोजन किया गया है, उस आयोजन में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पहले बात तो कि लोग रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, पर मेरा एनजीओ सिर्फ ये बताना चाहेगा कि आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कल झंडा फहराएंगे, शाम तक झंडा को वो करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, पर संविधान में राइट्स क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा क्या है, आपको हमें हिंदू कोड बिल क्या होता है, ये सारे चीजों की जानकारी आम जनता के पास नहीं है। और आम जनता के पास जानकारी नहीं है, इसीलिए वो आज इस तरह के चीजों को फेस करते हैं और उनको लगता है कि ये जो गलत नीतियां भी हो रही है उसको भी वो सही मान लेते हैं, और हमारी सरकार इसमें कोई कमी नहीं छोड़ती है उस गलत नीतियों को सही साबित करने में। तो जब आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हो और आप संविधान को ही आगे नहीं आने दे रहे हो, संविधान को ही खत्म करने की बात करते हो, तो फिर इस गणतंत्र दिवस को मनाने का क्या मतलब है? तो मेरा एनजीओ सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक डे पे हम उन राइट्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों के पास नहीं पहुंचा है, और अगर पहुंचा भी है तो लोग डरते हैं क्योंकि जो हमारी सरकार है वो नहीं चाहती है कि ट्राइबल्स एरिया के लोग पढ़ें, वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को नौकरी मिले, वो नहीं चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण आगे बढ़े। तो हमें उनको बताना है कि ये सारे राइट्स हैं आपके पास, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने एजुकेशन के लिए भी फाइट कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए भी बात कर सकते हैं। तो मेरा एनजीओ उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, ऐसे महान हस्तियां जिन्होंने देश में इतना कुछ किया और इतना राइट्स हमें दिया है, उनको लोगों को जानना है। तो हम उस दिन यही काम करेंगे कि हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जरूर बताएंगे। यानी क्या आपको लगता है कि संविधान ने जो लड़कियों को या किसी भी आदमी को अधिकार दिया है उसका पालन बिहार में नहीं हो रहा है या देश में नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिपब्लिक डे मना लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी काफी सारे स्कूलों में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया ही नहीं जाता, स्कूल में पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? संविधान पढ़ना तो बहुत जरूरी है, जब तक आप मैं हम संविधान नहीं पढ़ेंगे तो हम कानूनी चीजों को कैसे जान पाएंगे, हमारे अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, हमारे राइट्स कैसे लिखे गए हैं, ये हम कैसे जानेंगे? बहुत सारे आपके बिहार में भी काफी सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, काफी सारे लोग कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, पर कहीं पर किसी ने संविधान पढ़ाने की बात नहीं की। तो संविधान तो अभी भी हमारा वहीं पे है। आप बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे हैं कि हम रिपब्लिक डे मनाएंगे, हम रिपब्लिक डे मनाएंगे, फिर आपने संविधान के बारे में कभी बात ही नहीं की, आपने संविधान कहीं चढ़ाई नहीं। ये छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो, मैंने ये चीजें देखा है, ये मेरा है। अब अभी मैं पटना में और 2-3 दिन हूँ, मैं और भी विजिट करूंगी, जानूंगी, समझूंगी। और ऑफकोर्स ये एजुकेशन जहाँ पे आती है ना, जैसे कि बिहार अभी एजुकेशन में दर बाय दर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर ये चीज कनेक्ट होगा। और मुझे पता है कि ये एक दिन ऐसा जगह बन जाएगा जहाँ से यूपीएससी करके बच्चे निकलते हैं, वो जगह पे मैं आज खड़ी हूँ और उस पटना में मैं आज हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत जल्दी यहाँ के लोग इस चीज से वाकिफ हो जाएंगे और यहाँ की महिलाएं भी उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो मेरे को लगता है कि ऑफकोर्स एक दिन ये भी दिन देखने को हमें मिलेगा और रिपब्लिक डे का महत्व समझ पाएंगे। तो देखा आपने, ये मनोरमा जी है और ये बिहार को लेकर पूरी तैयारी करके आई है। बहरहाल अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।